सो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से दिल से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि सलमान खान का स्टारडम खत्म हो चुका है। मैं गलत था, जिसके लिए मैं आप लोगों से दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और आप लोगों से माफी क्यों मांग रहा हूँ। सो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सलमान खान की मूवी किसी का भाई किसी की जान ने 85 करोड़ की कलेक्शन कर ली है, जिसके बाद बताया जा रहा है ये मूवी इस हफ्ते अपने बजट को पार कर जाएगी, जो कि है 100 करोड़ का। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये मूवी 150 करोड़ की लाइफ टाइम कलेक्शन भी कर सकती है, जिसके बाद एक लो एवरेज मूवी भी हिट हो जाएगी, जिससे ये पता चलता है कि सलमान खान का अभी भी बहुत ज्यादा स्टारडम है। वो चाहे घटिया मूवी लेके आए चाहे फिर अच्छा, उनकी मूवी अच्छा खासा कमाई जैसे तैसे कर ही लेगी। जब इस मूवी ने 15.81 करोड़ की ओपनिंग दी तो लगा था कुछ खास नहीं कर पाएगी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे, पर इसी के साथ साथ लोगों ने भी इस मूवी को बहुत ही ज्यादा बुरा भी बोला था। फिर इस मूवी के सेकंड डे पे हमारे को कलेक्शन देखने को मिला 25.75 करोड़ का, जो कि ज्यादा बड़े नंबर नहीं थे, क्योंकि उस दिन छुट्टी थी, वो भी ईद की। सलमान खान के फैन ईद पे मूवी देखने जाते ही जाते हैं, जिसके बाद उस दिन भी हमारे को इस मूवी के बारे में कुछ खास सुनने को नहीं मिला, लोगों ने बुरा ही बोला था इस मूवी के बारे में। फिर जब संडे का कलेक्शन आया, वो भी 26.61 करोड़ का, तो हैरानी हुई इस मूवी को देखने जा कौन रहा है, सब तो इस मूवी के बारे में बुरा ही बोल रहे, तो इस मूवी को देखने जा कौन रहा है। इस मूवी ने सिर्फ 3 दिन में सहजादा और सेल्फी जैसी अच्छी रीमेक, क्योंकि इस मूवी से बहुत ही ज्यादा अच्छी रीमेक थी, उसका लाइफ टाइम का कलेक्शन क्रॉस कर लिया था, जिसको सुनने के बाद बस दिमाग में यही चल रहा था ये साला हो क्या रहा है, इस मूवी ने इतनी ज्यादा कलेक्शन कैसे कर ली। फिर आए मंडे का कलेक्शन, जो कि था 10.17 करोड़, और ट्यूसडे का 6.12 करोड़, जिसको सुनने के बाद तो और भी ज्यादा हैरानी हुई, भोला जैसी अच्छी रीमेक मूवी तो फ्लॉप होगी और ये इतनी घटिया मूवी हिट कैसे होने जा रही है। जिसके बाद मैंने कुछ रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि सलमान खान के फैंस को ये मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, वो लोग इस मूवी को रेडी मूवी के साथ कंपेयर करके देखने जा रहे हैं, लोग फैमिली के साथ इस मूवी को देखने जा रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं, और इसको एक अच्छी खासी फैमिली मूवी बोल रहे हैं, जिसे सुनने के बाद मैं अभी भी शॉक में हूँ। सलमान खान के फैंस का ये भी कहना कि सलमान खान ने बहुत ही अच्छा काम करा इस मूवी में, वो तो इस मूवी के डायरेक्टर फराज सामजी को इस मूवी को बनाना नहीं आया, जिसको सुनने के बाद मैं भी सलमान खान के फैंस के सपोर्ट में हूँ। सलमान खान ने अपना 100% दिया है अपने फैंस के थ्रू इस मूवी को हिट करवाने में, जहाँ पे ये मूवी डिजास्टर होनी चाहिए तो वहीं पे हिट होने जा रही है सिर्फ अपने फैंस की वजह से, जिसके बाद ये तो प्रूफ हो गया कि फैन फॉलोइंग ही सब कुछ है, चाहे क्रिटिक्स कुछ भी बोलती रहे फैंस को फर्क नहीं पड़ता, जिन्होंने इस मूवी को देखने जाना है वो इस मूवी को देखने जरूर जाएंगे। सो एक रूमर भी घूम रहा है कि सलमान खान ने अपना ऑरा बनाए रखने के लिए इस मूवी के फेक कलेक्शन सर्कुलेट किए हैं, जिसकी वजह से उनका स्टारडम बना रहे, पर ये कितना सच है कितना झूठ है ये बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा इस मूवी ने इतना ज्यादा कलेक्शन कैसे कर लिया है, जिसको देख के हर कोई हैरान भी है, पर ये डिफेम करने का भी तरीका हो सकता है जहाँ पे कोई सलमान खान को डिफेम करना चाहता हो। बाकी ये सुनने में भी अजीब लग रहा है कि सलमान खान जैसा बड़ा स्टार ऐसा कुछ कैसे कर सकता है, उनको भी पता है कि उनके हाथ एक अच्छी मूवी लगेगी शाहरुख खान के जैसे, और उनकी ऑडियंस भी उनके सामने आ जाएगी, जिसके बाद मुझे लग रहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। पर ऐसा भी नहीं कि सलमान भाई और इस मूवी को बनाने वाले को इस मूवी के रिस्पांस के बारे में पता न हो, कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान भी ज्यादा खुश नहीं है इस मूवी के रिस्पांस से, और वहीं पे हेरा 3 के मेकर्स भी ज्यादा खुश नहीं है, जिसकी वजह से अब बताया जा रहा है कि फरहाद नोलन साहब जी अब डायरेक्ट नहीं करेंगे हेरा फेरी 3, उनको भी हेरा फेरी 3 से निकाल देगा इस मूवी के रिस्पांस के बाद। अब हेरा फेरी 3 के मेकर्स ढूंढ रहे कोई नया डायरेक्टर, जिसके बारे में बात करिए इस वीडियो में, इसका लिंक आप लोगों को ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिसके चलते ये तो कंफर्म है कि कोई भी खुश नहीं है इस मूवी को देख के, पर ये कलेक्शन के नंबर बाहर कैसे आ रहे हैं वो समझ से बाहर है। आप लोगों को क्या लगता है, ये फेक है या फिर रियल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली है तो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिसे फिल्म में कीड़ा है। कुछ कहना कुछ बताना मैं मिल जाऊंगा सोशल मीडिया पे। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।